नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन फार्मर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपना राष्ट्रीय फल जो है आम, यानी फलों का राजा। मैंगो की खेती अपने भारत देश में बहुत बड़े पैमाने पे होती है और जितना दुनिया में प्रोडक्शन होता है उससे 57% उत्पादन जो है अपने भारत देश में होता है। तो मैंगो की तरफ एक देखने का नज़रिया अलग ही होना चाहिए, क्योंकि कमर्शियल प्रोडक्शन जितना भारत देश में होता है और कोई देश में नहीं होता है। वैसे तो मैंगो का प्रोडक्शन 111 देशों में लिया जाता है, लेकिन अपना यहाँ लिया जाता है एक अलग ही बात है दोस्तों। तो मैंगो के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी था, तो आज हम अपने ही बगिया में, मेरे पास 100-150 पौधे हैं केसर के हैं, तो मेरा भी अनुभव मैं आपके साथ साझा करूंगा कि मैं केसर के पौधे लगभग 10 साल हो गए ये लगाए हुए। मैं बहुत छोटा था तब ये मैंने लगाए हुए थे, मतलब पापा ने, हमने साथ में मिलके लगाए। तो यहाँ पे ये, इसमें आम क्यों कम लगे हैं, एक साल लगते हैं एक साल नहीं लगते हैं, ये भी मुझे कई दफ़ा दिक्कतें समझ में आई। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आपके घर के बाहर पौधा है उसमें आम एक बार लगते हैं एक बार नहीं लगते हैं, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे हम। प्लांटेशन कब होना चाहिए, ग्रो कैसे करते हैं, फर्टिकेशन क्या होना चाहिए, स्प्रे शेड्यूल क्या होना चाहिए, मार्केटिंग कैसे होना चाहिए, गवर्नमेंट का अनुदान क्या है, A to Z आज हम मैंगो के बारे में दोस्तों बात करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही आप ध्यान से देखिए और पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हमारे भारत देश में कई सारे राज्यों में इसका उत्पादन लिया जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र में जो है अल्फांसो हापुस बहुत फेमस है। अगर नॉर्थ इंडिया में आप जाते हैं तो मालदा, चौसा, उसके बाद दशहरी है, उसके बाद अगर साउथ में आते हैं तो तोतापुरी, बेनशिया, उसके बाद गुजरात वगैरह में जाते हैं तो केसर, टेम्परेचर वहाँ पे रहता है। अलग सारे जो ये आम है अलग अलग, ये 15 अगस्त तक दोस्तों चालू रहते हैं, कंटिन्यू स्टेप बाय अलग अलग वैरायटियाँ हैं। वैसे तो 2500 वैरायटियाँ हैं दोस्तों, लेकिन एक कमर्शियल से अगर हिसाब से देखा जाए तो केवल 25 ही वैरायटियाँ हैं जो कमर्शियल अपने भारत में ली जाती है। तो क्लाइमेट की अगर बात किया जाए तो इसको टेम्परेचर जो है 25 से ले के 38-40 तक चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है टेम्परेचर मेरे हिसाब से। तो अगर टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा रहता है तो इरिगेशन अगर आप ज़्यादा करेंगे तो वो भी मैनेज हो जाता है। जैसे गुजरात वगैरह में देखिए इतना हाई टेम्परेचर रहता है, नॉर्थ इंडिया में हाई टेम्परेचर रहता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर वैरायटियाँ ग्रो कर रही है ना, तो कर रही है, टेम्परेचर का ज़्यादा इशू नहीं है। बस बरसात जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है वहाँ पे थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि उसमें जो फ्लावरिंग स्टेज पे रहता है वहाँ पे दिक्कत होती है। जैसे हमारा यहाँ पे आप पौधा देख सकते हैं कि फ्लावरिंग स्टेज इस साल क्या हुआ कि नहीं हुआ, कि बरसात से बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई और स्प्राउटिंग पौधे का होते गए, उसकी वजह से दिक्कतें आ गई। इसके बाद इसको ज़मीन जो है वाटर ड्रेनेज वाली चाहिए, सैंडी लोम चाहिए, ब्लैक कॉटन सॉइल इसको नहीं चलेगी, अवॉइड करना है उसको, जहाँ पे पानी पकड़े रहता है ज़मीन में, कतई नहीं चाहिए उस टाइप की ज़मीन इसको। पीएच की अगर बात की जाए तो 5.5 से 7.5 पीएच इसको चल जाता है, पानी कोई भी इरिगेशन के लिए चल जाएगा। उसके बाद अगर इसकी वैरायटी की मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई, ढेर सारी तमाम है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। आप अगर नॉर्थ इंडिया के हैं आप तो दशहरी, चौसा वगैरह, अगर मालदा वगैरह चूज़ कर सकते हैं। अगर आप साउथ में आते हैं तो तोतापुरी, तेलंगाना वगैरह में बहुत ज़्यादा होता है, या तो बेनिशिया होता है। महाराष्ट्र में है तो आप हापूस हुआ, देवगढ़ हुआ, ये कोकण किनार पट्टी में मतलब समुंदर के किनारे बहुत ज़्यादा तगड़े में होता है, बहुत अच्छा। और मैंगो का जो है साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका, ऐसे भी इसको कहा जाता है। अब दोस्तों प्लांटेशन की अगर बात करें तो 12 महीने में आप इसका प्लांटेशन कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि अगर आप जून में इसका प्लांटेशन करते हैं तो वो बेहतर है। क्यों? क्योंकि जून में एक एटमॉस्फेयर है, ह्यूमिडिटी है, वो बहुत सेफ रहती है, सेफ साइड खेलना सही रहता है दोस्तों। तो जून में प्लांटेशन जरूर कीजिए। तो एक एकड़ में इसके पौधे कितने लगेंगे, एक एकड़ में आप कैसे लगा रहे उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर 10x10 से लगा रहे, 10x15 से लगा रहे, 15x15 से लगा रहे, 15x15 से लगाएंगे तो 300 पौधे लगेंगे, और थोड़ा अंदर आएंगे तो पौधे बढ़ जाएंगे। आप अगर 10x10 पे जाते 1000-1200 पौधे लगेंगे, जैसे आप लगाना चाहते लगा सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है आपको कि 15x15 पे लगाते हैं तो बेहतर रहता है, लेकिन आप थोड़ा सा अपना एरिया के हिसाब से देखिए, एटमॉस्फेयर आपके यहाँ क्या रहता है, तो उस हिसाब से डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। लेकिन जितना डिस्टेंस रहता है उतना फ्रूट की जो क्वालिटी है, यहाँ पे देख सकते हैं मेरी फ्रूट की क्वालिटी जो है यहाँ पे केसर की, तो फ्रूट की क्वालिटी जो है अच्छी रहती है जितना डिस्टेंस रखेंगे। आम का आप किलो के हिसाब से या डजन के हिसाब से मत जाइए, आपको अगर मार्केट अच्छा पाना चाहते हैं तो एक तो ऑर्गेनिक करना पड़ेगा और दूसरी फ्रूट की साइज़ अच्छी रखनी पड़ेगी। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है कि आम के मामले में, अगर आपको बहुत ही अच्छा मार्केट और पैसा इसको कमाना है और कमर्शियल के हिसाब से अगर देखना है तो। वैसे आप 1-2 पौधा, 4 पौधा, 100 पौधा घर के बाहर या इधर उधर लगा रहे हैं, थोड़ा बहुत पौधे तो कैसे भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लांटेशन की बात हो गई तो ये पौधे की बात हो गई, अब हम लोगों को प्लांटेशन करने से पहले क्या क्या करना चाहिए। तो हम लोगों को पहले गड्ढा लेना पड़ता है, गड्ढा आप 2x2 का ले सकते हैं, 4x2 का ले सकते हैं। उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होता है गोबर का खाद, पूरा ऑर्गेनिक मतलब एकदम सड़ा हुआ गोबर का खाद। उसके बाद उसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट 5 किलो के आसपास, और गोबर का खाद कम से कम 50 किलो एक पौधे में यूज़ कीजिए, क्योंकि उसमें फिर नीचे गोबर खाद कभी जाना तो है नहीं। और उसके बाद आपको नाइट्रोजन हुआ, फॉस्फोरस हुआ,
और म्यूरेट ऑफ पोटैश, नाइट्रोजन आप कम देना है आपको, पोटैश और फॉस्फोरस ज़्यादा देना है, नाइट्रोजन की कोई ज़रूरत नहीं रहती। और जब आप ये भर देंगे तो उसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए और कुछ दिन बरसात होने के बाद, उसको दोपट होने के बाद, उसके बाद उसके ऊपर पौधा आप जून में लगा सकते हैं। ये तो हुआ बेसल डोज दोस्तों। अब दोस्तों जब हम प्लांटेशन करते हैं तो पौधा की चुनाव कैसे करना चाहिए, जो भी हमारा कृषि विभाग है वहाँ पे जाके आपको जो वैरायटी चाहिए वहाँ से ले सकते हैं, या हमारे बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर्स की वहाँ पे जाके आपको पौधे मिल जाते हैं ग्राफ्टिंग किए हुए पौधे। आपको आप अगर कैरी लगाते हैं तो कैरी एक साल बड़ा करने के बाद फिर उसको ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपने आपके खेत में मान लीजिए कैरी जून में लगा दी तो जनवरी में आप उसका ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, तो वो फिर अगले दिसंबर को आपको माल पे आ जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से आपको जब पौधा लगाते हैं तो डेढ़ साल उसको माल नहीं लेना चाहिए, पहले पौधे को तैयार करना चाहिए, उसको अच्छे से डेवलप करना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे मेरा पौधा देख सकते हैं, मैंने क्या किया कि स्टार्ट में इसके ब्रांचेस निकाले, ऊपर से मैंने इस पौधे को रोक दिया और यहाँ पे देख सकते हैं इसको रोक के यहाँ पे एक ब्रांच, यहाँ पे एक ब्रांच, और ऊपर मैंने कटिंग नहीं किया, फिलहाल मैं उसका भी कटिंग करने वाला हूँ। तो ऐसे इसको डेवलप करना पड़ता है, जितना पौधा छोटा रहेगा उतना बेहतर रहता है, जितना आपको बड़ा करेंगे तो हर चीज़ में दिक्कत आती है आगे चल के, स्प्रे में दिक्कत आती है, उसके बाद माल हार्वेस्टिंग में दिक्कत आती है, और फ्लावरिंग होने में दिक्कत आती है, तो कई सारे दिक्कतें वहाँ पे आ जाती है। उसके बाद दोस्तों इसका पानी का मैनेजमेंट देखा जाए तो अगर ड्रिप इरीगेशन के आपके पास है तो बहुत बेहतर है। ये देखिए मैंने क्या किया है कि ये 16 mm का मैंने लैटरल लिया और लैटरल के ऊपर होल करके सीधा मैंने बटन लगा दिया, ये देखिए एक इस साइड में और एक इस साइड में, दोनों साइड में मैंने हमेशा ऐसे लगा दिया, ये 14 लीटर एक घंटे में गिरा देता है ये। अब जब आप पौधा लगा देते हैं तो इसका वाटर मैनेजमेंट कैसे करना है दोस्तों, देखिए इसको पानी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं रहती है। अगर आपने जून से लेकर सितंबर तक अगर हिसाब जोड़ा है तो बहुत कम पानी देना है आपको, अगर आप ज़्यादा पानी देते हैं तो फ्लावर्स सेट नहीं होंगे। एग्जाम्पल मतलब जैसे कि भूख लगने देनी है पौधे को, जून से बरसात चालू होती है सितंबर तक अगस्त तक उसको पानी नेचुरली मिलता है, अक्टूबर नवंबर इसको बहुत ज़्यादा इसे भूख लगनी देनी है तब जाके फ्लावरिंग अच्छा होता है, तो पानी इसको बहुत कम लगता है। उसके बाद जब आम बड़ा बड़ा हो जाता है छोटा छोटा तब थोड़ा सा पानी बढ़ाना है, डेली एक घंटा डेढ़ घंटा ऐसे ड्रिप इरीगेशन से आप पानी दे सकते हैं, फ्लड से भी है तो आपको ज़्यादा गैप गैप से देना है पानी। अब दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि जब आप पौधे को बड़ा करते हैं तो प्रूनिंग कटिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं करेंगे तो आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। जब आपका पौधा 2-3 साल का हो जाता है तो ज़मीन के अंदर के पूरे न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं, तब हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। स्टार्ट में फसल आपको बहुत अच्छी मिलेगी, माल अच्छा मिलेगा, पहले आपकी ज़मीन अच्छी रहती है, उसमें क्वालिटी अच्छी रहती है तो माल बहुत अच्छा आता है, बाद में नहीं आता है तो वो दिक्कतें वहाँ पर हो जाती है। तो आपको क्या करना है, हर साल जून में जो है आपको कटिंग लेने के बाद नीचे का जो ये कचड़ा है दोस्तों इसको ना एक जगह पर करना है और ज़मीन के अंदर डाल देना है। अभी हमारा ये माल के ऊपर है, मैं साइड से गड्ढा लेता हूँ और उसमें भर देता हूँ और उसमें सिंगल सुपर फास्फेट 2 किलो के आसपास डाल देता हूँ, उसको मून देता हूँ तो वो इसका डिकम्पोज हो जाता है। तो आपको खाद की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, हर साल आप ऐसे कर सकते हैं, और गोबर का खाद भी जून में डाल सकते हैं और वहाँ पे आप म्यूरेट ऑफ पोटैश थोड़ा सा और ये ऐसे खाद वहाँ पे डाल सकते हैं। अब सबसे दोस्तों ज़रूरी बात पे मैं आता हूँ, क्या कि एक साल इसमें फ्लावरिंग स्टेज आता है, मतलब आम लगता है, एक साल नहीं आता है, तो ये दिक्कतें अनियमित कई सारे वैरायटी को होती है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो दोस्तों इसके लिए पैक्लाबुट्रोजोल ये नाम की एक दवाई आती है तो वो डालना ज़रूरी होता है। तो उसको कल्टर नाम से भी आती है, अलग अलग नाम से आती है, लेकिन मैंने आपको पैक्लाबुट्रोजोल का एक कंटेंट का नाम ये बताया। तो करना क्या रहता है कि आपने पौधे का जो बाजू का जो डायमीटर है उसका हिसाब निकालना है पूरा, ये जो गोला देख सकते हैं यहाँ पे, तो 1 मीटर डायमीटर में दोस्तों 3 ml के हिसाब से यूज़ करना है। मान लीजिए मेरा अगर डायमीटर पौधे का पूरा 10 मीटर है तो मैं 30 मिली का हिसाब से यूज़ करूँगा, तो यही हिसाब से यूज़ करना है उस पैक्लाबुट्रोजोल को। अगर इसका कम ज़्यादा करते हैं तो उसका अंश जो है आम में उतर जाएगा, वो मार्केट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। 3 मिली के हिसाब से यूनिवर्सिटी ने रिकमेंड किया है, उसके ऊपर 10 साल तक उसके ऊपर रिसर्च किया गया है, उसके बाद ही ये रिकमेंड किया गया है। तो ये चीज़ मैंने हिसाब आप याद रखिए दोस्तों, 1 मीटर डायमीटर में 3 मिली के हिसाब से ही इसको यूज़ करना है और डायमीटर से हिसाब से ही जोड़ना है, नहीं तो ऐसे लंबाई में आप जोड़ देंगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। और हम आम के ऊपर धीरे धीरे सीरीज़ में वीडियो बनाएंगे, वो भी आप बताते रहिए मुझे बनाना है, और वीडियो जानकारी मुझे आपको मेरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। अब दोस्तों हम आते हैं कि इसमें डिजीज़ क्या क्या आते हैं, तो मेजर डिजीज़ की अगर बात की जाए तो इसमें थ्रिप्स आता है, पाउडर मिल्ड्यू आता है और छोटे मोटे कीड़ा वगैरह लगते हैं इसमें, तो इसमें मेजर यही रहता है। अगर फर्टिकेशन की बात करें तो आम लग जाने के बाद फ्लावरिंग स्टेज के बाद आपको क्या करना है कि ड्रिप से फर्टिकेशन 12:61 हुआ, 13:40:13 हुआ, उसके बाद 0:52:34 हुआ, ये कंटिन्यू रखना। अगर ये नहीं कंटिन्यू रखते तो कमर्शियल आम की खेती आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फर्टिकेशन इसमें बहुत ज़रूरी होता है, उसका भी अलग से हम जानकारी लेने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ये तो
फर्टिगेशन इसमें ज़्यादा नहीं रहता है, थोड़ा बहुत करिए लेकिन कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, और एक चीज़ ज़रूरी आपको बात बतानी है कि जब फ्लावरिंग स्टेज रहती है वो फ्लावरिंग स्टेज नीचे गिरे ना, इसके लिए आपको NAA नेप्थिक एसिडिक एसिड जो है वो यूज़ करना पड़ता है। वो लगभग 50 लीटर पानी में अगर आप 1 ग्राम यूज़ करते हैं और इसको उसमें सॉल्वेंट भी मिक्स करके अगर उसको स्प्रे देते हैं आप, तो आपका जो फ्लावरिंग स्टेज है वो ड्रॉपिंग नहीं होगा। और उसके बाद क्या है कि जो चींटियाँ छोटी छोटी खाती है उसके लिए पौधे के साइड से आप BSC पाउडर अगर डाल देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। या तो एक दवाई मिलती है जो पौधे के ऊपर लगा देते हैं तो ऊपर चींटियाँ चढ़ नहीं पाती है, तो वहाँ पे आपको उसका रोकथाम हो जाएगा। तो इस तरीके से सारा पूरा जो है आम का साल भरे का दिक्कत क्लियर हो जाएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि जून में जब हम लोग माल निकालते हैं उसके बाद कटिंग करते हैं, ठीक है, और कटिंग करने के बाद क्या होता है कि जुलाई अगस्त सितंबर हमारा जो नया फ्रेश स्प्राउटिंग होता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये फ्रेश स्प्राउटिंग होता है, ठीक है, अगर ये अगस्त सितंबर में फिर से एक बार निकला तो आपका फ्लावर स्टेज वहाँ पे नहीं निकलेगा। इसीलिए हम लोगों को पैक्लोबुट्राजोल यूज़ करना पड़ता है। पैक्लोबुट्राजोल क्या करता है कि जो पौधे के नीचे जिब्रेलिक एसिड तैयार होता है उसको वो होने नहीं देता है, बढ़ने नहीं देता जिब्रेलिक एसिड को, और वो पौधे को रोक देता है। और जब वो स्प्राउटिंग होता है सीधा तो उसमें सीधा फ्लावरिंग स्टेज निकलता है। जैसे कि अभी हमारा देखिए यहाँ पे अभी फिर से स्प्राउटिंग हुआ है, तो ये गलत स्प्राउटिंग है ना, ये गलत निकल रहा है। ये ऐसा अगर निकलेगा तो आपको फल कभी नहीं मिलेगा अच्छे से कायदे से। दोस्तों आम की खेती में एक बहुत ज़रूरी बात है, आपको पता हो ना हो लेकिन ये ज़रूरी है, क्या है कि जब फ्लावरिंग स्टेज में आम का पौधा पूरे तरीके से आ जाता है तब कोई भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे उस टाइम पे हार्डली नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है कि उस टाइम पे आपके प्लॉट में पूरा मधुमक्खी आती है। मधुमक्खी एक बहुत बड़ा काम करती है कि पॉलिनेशन का काम करती है। उस टाइम पे अगर कोई हार्ड आप इंसेक्टिसाइड मारते हैं तो वो मधुमक्खियाँ मर जाएंगी और वहाँ पर पॉलिनेशन नहीं होगा और वहाँ पे आपका फल भी नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपके प्लॉट में मधुमक्खियाँ आए कैसे भी करके, वहाँ से जाए ना, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें तो हो गई हम लोगों को प्लांटेशन लेके ग्रो करने तक सारी चीज़ें, लेकिन इसमें प्रोडक्शन कितना आता है अगर एक एकड़ की बात की जाए, अगर आप जैसे प्लांट लगाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक एकड़ में लगभग 8-10 टन भी माल निकलता है, कभी कभी 15 टन भी निकलता है, वो आपके पौधे लगाने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने एक एकड़ में 300 पौधे लगाए हैं 15x15 से तो वहाँ पे 6-7 टन निकलेगा माल। अगर आपने 1000 पौधे डाले हैं तो 12 टन माल निकलेगा। अगर आपके पौधे 1000 है लेकिन यील्ड आपकी 1-2 साल बहुत ही अच्छी आई है, एनवायरनमेंट आपका बहुत ही अच्छा रहा है पूरा वातावरण, तो आपका 15-20 टन भी आ सकता है। तो टोटली जो है यील्ड एक तो वातावरण के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा आपने जून से लेकर दिसंबर तक कैसे कैसे इसको पूरा नियोजन मतलब कैसे कैसे मैनेजमेंट किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रोडक्शन की बात तो ये हो चुकी। मार्केटिंग की अगर बात की जाए दोस्तों, तो मार्केटिंग में कई सारे स्ट्रेटजी हैं, जैसे कि आप अपना खुद का पैकेजिंग कर सकते हैं, या तो एक्सपोर्ट के लिए आपकी कोई भी वैरायटी हो पूरा आप मार्केट में इसको भेज के रेसिड्यू फ्री है कि नहीं चेक करवा के, पूरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है कि नहीं आपका पूरा देख के पहले चेक करके फिर आप अच्छा ऑर्गेनिक मार्केट में इसका सेल कर सकते हैं। क्योंकि आम की बहुत ज़्यादा मांग होती है लगभग अप्रैल से लेकर जून जुलाई तक, क्योंकि सारे फल अप्रैल के आसपास ख़त्म हो चुके हैं, अनार छोड़ के ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद ये मार्केट में जब एंट्री करता है एकदम राजा की तरह ही एंट्री करता है और राजा की तरह ये पैसा कमा के भी देता है। तो ये बहुत ही अच्छा पैसा देने वाली फसल है दोस्तों, आप इसको कर सकते हैं कमर्शियल के हिसाब से। सालाना लगभग आप इसमें 3-4 लाख रुपए तो आसानी से एक एकड़ में कमा सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट अच्छा हो तो, नहीं तो आप नहीं कमा सकते हैं। अब दोस्तों थोड़ा गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में बात करें तो देखिए हमारे यहाँ महाराष्ट्र में तो रोज़गार हमी योजना के जो अंतर्गत वहाँ यहाँ पे हेक्टरी हमें 1,37,000 की मदद मिलती है आम में, 10x10 के हिसाब से लगाते हैं। तो आप अपने राज्य में अपने गाँव में अपना जो कृषि विकास हॉर्टिकल्चर का जो भी विभाग है वहाँ पर जाके जो अधिकारी हैं उनसे जानकारी ले सकते हैं आप, आपके यहाँ पे कौन सी योजना चल रही है। जैसे कि आम हुआ, अमरूद हुआ, जो लंबे लॉन्ग टर्म के जो फसलें हैं इनको 100% सब्सिडी रहती है। आप बस आपके जाके आपको देखना है कि सब्सिडी है कि नहीं, होती है ही, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म की फसलें रहती है उसको सब्सिडी नहीं रहती है, 1-2 साल की, केला वगैरह गन्ना वगैरह इन सबको कुछ नहीं रहती। लेकिन ये बड़ी बड़ी जो फसलें हैं इनको सब्सिडी रहती है, स्टेट वाइज अलग अलग रहती है, और NHM की अलग रहती है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की, NABARD की अलग रहती है, तो आपको वो जानकारी निकालनी पड़ेगी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ऑल डिटेल में जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है फिर भी कुछ कम ज़्यादा हो गया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों। और ये वीडियो कैसे लगा ये भी मुझे आप बताइए, और ये वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि पावर है तो पावर है। धन्यवाद।